नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर भवती नैष्टुकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तगण, दामोदर देश भक्तगण, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम छठे स्कंद के आज नवे अध्याय में 21वें श्लोक से देवता भगवान नारायण की प्रार्थना कर रहे हैं उसका श्रवण करेंगे। प्रसंग ऐसे है कि देवराज इंद्र ने अपने इंद्रासन के मध्य में अपने गुरुदेव बृहस्पति का सम्मान नहीं किया और बृहस्पति अदृश्य हो गए। ये समाचार असुरों को मिला कि बिना गुरु के अब देवता कमजोर हैं, उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। इंद्र अपनी स्थिति को समझकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की क्या करना चाहिए। कहा कि आपको पुरोहित तो जरूर चाहिए, आपको पुरोहित की अति आवश्यकता है। आप विश्व रूप जो तुष्टा प्रजापति आपका भाई है, तुष्टा आदित्य है, आदित्य का पुत्र है, आदित्य है, कश्यप और आदित्य का पुत्र है, इंद्र का भाई है, उसका बेटा विश्व रूप है, उसके पास नारायण कवच की विद्या है, उसको आप गुरु बना लो। तो इंद्र सब देवताओं के लेकर विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप ने कहा पुरोहिति का कार्य यजमान के दान दक्षिणा से निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए उत्तम वृत्ति नहीं है, ये उत्तम वृत्ति ब्राह्मण की नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण कर सकता है, उसका धर्म में आता है, परंतु जो भगवत भक्ति में ब्राह्मण है उससे इस वृत्ति से ऊपर होना चाहिए। परंतु आप हमारे बड़े हो, पिता के समान हो, आप आए हो, तो मैं ना नहीं कर सकता। वो पुरोहित बने और जब यज्ञ करते थे तो अपने पिता तुष्टा के पक्ष में देवताओं को तो आहुति देते ही थे, क्योंकि देवताओं के पुरोहित बने थे। परंतु उनकी माता जो थी वो असुरों के पक्ष की थी, तो वो छुप के असुरों को भी आहुति डालता था। और जब इंद्र को इस बात का ज्ञान हो गया, पता लग गया, तो इंद्र ने कहा पुरोहित हमारा और हमारे शत्रुओं को भी पुष्ट कर रहा है। तो इंद्र ने उसके गर्दन काट दिए, तीन गर्दन थे ऐसे कहते हैं, एक से सुरापान करता था, एक से मदरापान और एक से भोजन करता था। सो विश्वरूप के पास जो नारायण कवच था वो तो इंद्र को दे दिया, जो उन्होंने प्राप्त किया था अश्विनी कुमारों से। सो विश्वरूप के मृत्यु के ऊपर इंद्र को लगा ब्रह्म हत्या का शाप, और इंद्र ने उस शाप को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास किया। एक वर्ष के बाद उसने अपना पाप चार विभाजन करके जल को, पृथ्वी को, नारी को और वृक्ष को दे दिया। परंतु तुष्टा को बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र को पुरोहित बनाकर ले गए थे और उसकी हत्या कर दी। उसने एक यज्ञ शुरू कर दिया, जिस यज्ञ में मंत्र उच्चारने में कहता का इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, ये उसका उद्देश्य था। परंतु मंत्र उच्चारण करने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, गलती हो गई कि जिसको इंद्र मारे ऐसा अर्थ हो गया। तो यज्ञ की पूर्णाहुति के समय एक बहुत ही धूमर का मतलब काले रंग का
जिसकी दाढ़ी मूछें बहुत लाल तांबे के जैसे और बाल सारे ऐसे बहुत बड़ा विकराल रूप चारों दिशाओं को ढकने वाला असुर पैदा हुआ, उसका नाम वृत्तासुर हुआ। और वृत्तासुर से जब देवता लड़ने लगे, देवताओं के सारे अस्त्र ही निगल गया, शस्त्र ही निगल गया। देवता बेचारे बड़े दुखी होकर भगवान का शरण लेते हैं, कहते हैं इस संकट से हमारी रक्षा आप कर सकते हैं। तो ये है सारी परिस्थिति जिसके अंतर्गत देवता अब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो तुष्टा के द्वारा यज्ञ से उत्पन्न वृत्तासुर से बड़े भयभीत हैं। तो अब सारे देवता भगवान को क्या कह रहे हैं, श्री देवा उच्च हो, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, वायव अम्राग्ने अपक्षितय स्त्रीलोका ब्रह्माद्ये वयम उदविजन्तः हराम यस्मै बलिमंतको असौ बिभेति यस्माद् अरणं ततो नः। देवता कहते हैं वयाव वयाउ अंबर, वयाउ हवा, अंबर आकाश, अग्नि, और फिर आप जल, और क्षत्रिय ये पृथ्वी, ये है पांच भूत, इनसे बने हुए हैं त्रिलोक। और इन तीन लोक का मतलब स्वर्ग आदि लोक, ऊपर के लोक, मध्य के लोक और नीचे के लोक, ये त्रिलोक। और ब्रह्म आदि, ब्रह्मा से लेकर और नीचे सारे लोकों के जो अधिपति है, से ये वयम हम सारे उद्विजंतः, हम बड़े भयभीत हैं। भगवान जो आपकी पांच तत्वों की सृष्टि है जिससे तीनों लोक बने हैं, और जो देवता है वो भी इसी तत्वों के बने हुए हैं, वो सब भयभीत हैं। हराम यस्मई बलिम अंतको असो, क्यों भयभीत है? अपना कारण बताएंगे कि हम भयभीत इसलिए हैं कि वृत्तासुर ने हमारे को पराजित कर लिया है। हराम यस्मई बलिम अंतकः, हम अर्पण करते हैं बहुत बड़े उपहार और बलिदान, और कहा जाए कि गिफ्ट्स किसको करते हैं, अंतकः काल को। परंतु वो काल भी बिभेति यस्माद, वो काल भी आपसे भयभीत है भगवान। अरणम ततः नह, हम आपके शरण में है। अरणम का मतलब शरणम। तो देवता कह रहे हैं तीनों लोक पांच तत्वों से उत्पन्न हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि आदि से, और उन सारों का संचालन ईश्वरत्व करते हैं देवता। ब्रह्मा से लेकर नीचे देवता सारे ये भौतिक जगत का संचालन चलाते हैं। हम भी काल से बड़े भयभीत हैं, इसलिए काल को बड़े उपहार देते हैं। परंतु वो काल भगवान आपसे भयभीत है। भगवान हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, ये देवताओं के प्रार्थना का भाव है। किसका शरण ले रहे हैं? बोला उस भगवान का शरण ले रहे हैं जिससे काल भी भयभीत है। किस भगवान का शरण ले रहे हैं? जिसने पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड बनाया है, और सारे देवता बनाए हैं जो इसका संचालन चलाते हैं, और हम सबके सब देवता काल से भयभीत हैं और उसको उपहार देते हैं। देवताओं ने कहा और कोई सहारा नहीं है, केवल एकमात्र भगवान का ही शरण लेना चाहिए, वही हमारे को वृत्तासुर से रक्षा दे सकता है। और ये जो 23 तत्व हैं,
ये सारे लोग इससे बने हुए हैं और देवता भी इससे बने हुए हैं जो इनका संचालन चलाते हैं ब्रह्मा से लेकर नीचे तक। हम तो काल से भी भयभीत हैं और उसको बहुत बड़े उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, परंतु हम आपके शरण में आए हैं जिससे काल भी भयभीत है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब किसी को मृत्यु का डर लगता है तब वो निश्चित रूप से भगवान के शरण में जाता है, चाहे नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन जब संकट आता है तो सब भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसके शरण में जाते हैं। वो भगवान ऐसे जिसको जिसकी तो सारे देवता उपासना करते हैं ब्रह्मा जी से लेकर, और ये देवता सामान्य नहीं है, ब्रह्मांड के अधिपति है, ब्रह्मांड के सारे तत्वों के ऊपर इनका स्वामित्व है। विभेति यस्माद का अर्थ है कि सारे असुर, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, परंतु भगवान से भयभीत होता है। और देवता भी काल से डरते हैं और वो भगवान का शरण लेके यहां प्रार्थनाएं कर रहे हैं। काल से सब डरते हैं, समय बलवान है, समय से सब भयभीत हैं, परंतु काल भी भगवान से भयभीत है। काल भगवान का एक स्वरूप है जो इस भौतिक जगत का संचालन चलाता है और भगवान के इशारे से काम करता है। ये काल के लिए कुंती महारानी की प्रार्थना में भी हमने सुना है कि भगवान यशोदा से भयभीत है और जिससे काल डरता है वो यशोदा से डर रहे हैं। ये देख के मैं बड़ा विडंबना में हूं, बहुत बड़ा ये आश्चर्य है। काल भगवान से डरता है, भगवान का भक्त भी काल के सर के ऊपर पांव रख के ध्रुव महाराज विमान में चढ़े थे, तो ये काल भगवान के भक्तों को कुछ नहीं करता। भगवान अभय है, भगवान का नाम ही अभय है, और जो भगवान का शरण लेता है उसको भी भगवान अभयदान प्राप्त कर अभयदान प्रदान करते हैं, वो अभय प्राप्त कर लेता है। देखो अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, दो दिन के बाद प्रहलाद महाराज के स्मरण में भगवान का कभी विसमृति नहीं हुई, सदा ही भगवान का स्मरण रहा, इसलिए कोई भी कष्ट उसका बाल बांका न कर सका। मारने के सैकड़ों साधन असफल हो गए, सफल नहीं हो पाए। बड़े से बड़ा राक्षस जिससे देवता भयभीत होते थे वो एक छोटे बालक का बाल बांका न कर सका, क्योंकि भगवान के स्मरण में वो इतना अटल था कि काल भी उसका कुछ बिगाड़ न सका। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का शरण लेना एकमात्र साधन है निर्भयता का। ये साधन भक्ति के अंतर्गत जो मुख्य श्लोक भागवत से आता है, तस्मात भारत, इसलिए महाराज परीक्षित ईश्वर भगवान हरि, वो जो ईश्वर है, जो हरि है, जो भगवान है, सर्वात्मा जो सबके हृदय में है, श्रोतव्यम उसके बारे में सुनो, श्रोतव्यम स्मर्तव्यम श्रोतव्यम सुनो, कीर्तत्वम कीर्तन करो, स्मर्तव्यम स्मरण करो, यद क्षति अभयम, अगर भय से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। तो ये देवताओं ने अब निर्णय कर लिया कि हमें भगवान का शरण लेना है, और यही तो भगवत गीता का सार है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परिच माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, एक केवल मेरे शरण में आ जाओ, और किसी के सहारे की ओर के ऊपर मत विश्वास करो, एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। और शरणागति के 6 लक्षण हैं, उसमें मुख्य लक्षण है जिसके सब
पांच लक्षण उसके ऊपर आश्रित है, वह गोपतृत्व, गोपतृत्व रक्षा करेंगे भगवान हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समस्या में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये पूरा विश्वास शरणागत को। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, अनुकूल भाव से सेवा करें, प्रतिकूल को त्याग करें। गोपतृत्वे भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास करें, रक्षति इति। कार्पण्य अपने अंदर दीनता हो, बहुत निम्रता हो, ये शरणागति के लक्षणों में है। तो भगवान का शरण लेना चाहिए, कब लेंगे, गुरु के माध्यम से भगवान का ना, ये काले शिष्य करे आत्म समर्पण, कृष्ण करे आप सम। दीक्षा कहते हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा के समय शिष्य अपने आप को समर्पण करता है, किसको, भगवान को, गुरु के माध्यम से। उस समय कृष्ण उस भक्त को अपना मान लेता है कि अब ये मेरा है, इसने मेरा शरण ले लिया, अब इसका शरण, शरणागत का रक्षण भरण पोषण ये मेरा भार है, अब ये इसकी चिंता नहीं है, ये मेरे को चिंता करनी है। तो देवता भी शरण लेने जा रहे हैं भगवान को, भगवान का, तो फिर लोग देवताओं का शरण लेते हैं, ये तो मूर्खता है ना। जो स्वयं देवता भयभीत हैं वो भगवान के शरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर किसी को देवता का शरण लेने की क्या आवश्यकता है। हाँ, देवता से सीखना चाहिए कि वो ही जो भगवान का शरण लेते हैं तो हमको भी भगवान का शरण लेना चाहिए। अब आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। आविसम्मितं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशांतं विना उपसारा पतये अपरमपि अपरम ही बालिशा श्वलांगुलेनाति तरति सिंधुम। बोले शरण भगवान का लेना चाहिए अगर भव सागर तरना है तो, नहीं तो कोई बालेशु, कोई मूर्ख है, बालेशु का अर्थ है बच्चा, मूर्ख अनजान, श्वलिंगुला कुत्ते की पूंछ को पकड़ता है और कहता है कि मैं सिंध में सागर को तैर जाऊंगा तो डूबेगा ही ना, कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई सागर को पार कैसे कर सकता है, तो किसका शरण के लेना चाहिए। अविस्मितम, जिसमें कोई विस्मय नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तम वो भगवान, जिसको किसी चीज को देख के आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि सब उसी के इशारे से चलती हैं, तो सब जानता है, उसको क्या आश्चर्य होगा। भगवान परिपूर्ण, जो परिपूर्ण है, हर प्रकार से परिपूर्ण है, परिपूर्ण कामम, दो शब्द है इसका मतलब, परिपूर्ण कामम का मतलब जिसकी सारी इच्छाएं अपने आप पूर्त है, वो आत्मा राम है, आपत काम है। कैसे है वो, स्वयं अपने आप से निश्चित रूप से लाभेन समम, उसी का शरण लेने में लाभ है, वो सबके साथ संभाव है, प्रशांत है, पूर्ण रूप से शांत है। विना उपसर्पति, अगर उसका शरण नहीं ले, ये विशेषण है सारे भगवान के, जिसका शरण लेना चाहिए, जिसको किसी के ऊपर विस्मय नहीं होता, आश्चर्य नहीं लगता है कुछ दुनिया का, जो परिपूर्ण काम है, जो अपने आप में परिपूर्ण, अपने ही आप से है और सबसे समान है, प्रशांत है, उसी के बिना अगर किसी और का शरण लेंगे, अपरम ही बालेश हो, तो निश्चित रूप से वो मूर्ख अपरम, किसी और का अगर शरण लेगा तो मूर्ख है, कुत्ते की पूंछ पकड़ के सामंत सागर पार करने की मूर्खता करेगा, निश्चित रूप से डूब जाएगा। तो यह भगवान का विशेषण क्या है, जो सारे भौतिक
विचारों से परे है। भौतिक विचार उन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और कोई संसार की चीज उसको आश्चर्य में डाल ही नहीं सकते हैं, सकती है। और जो सदा ही आनंद में रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं, सर्व काम अपने आप पूरे हो जाते हैं, आत्माराम है, आपत्काम है और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण है, उसको कोई भौतिक उपाधि नहीं है, इसलिए वो प्रशांत है, कोई विचलता है नहीं। वही एकमात्र शरण लेना चाहिए, वो एकमात्र वो है जिसका शरण लेना चाहिए। अन्य किसी का कोई रक्षा के शरण लेने का प्रयास करे तो वो मूर्ख ऐसे लगता है कि समुद्र को कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार करना चाहता है। जो महामूर्ख समुद्र को कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार करने का प्रयास करते हैं और भगवान का शरण नहीं लेते हैं, जो भगवान परिपूर्ण है, आश्चर्य रहित है और जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण है, प्रशांत है और जो बहुत भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं, उसका शरण नहीं लेते हैं, वो मूर्ख है। चक्रवर्ती बात लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति किसी और का शरण नहीं लेता, एकमात्र भगवान का लेता है। वास्तव में पूर्ण रूप से वो मूर्ख है जो किसी और के शरण में जाता है। वो किसी और के लिए तीन नाम लिख रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कहे वो मूर्ख है जो देवताओं का शरण लेता है, एक। वो मूर्ख है जो कर्म योग का शरण लेता है, दो। वो मूर्ख है जो ज्ञान योग का शरण लेता है। इसका अर्थ है कि जो कर्म कांड, कर्म योग और ज्ञान योग तक अटका रहता है उसका शरण अधूरा है। जो बुद्धिमान ऐसे कभी नहीं करता है, ये वो है जो कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को पार करना चाहते हैं। कुत्ता कभी समुद्र पार नहीं कर सकता है। जब स्वयं नहीं कर सकता है, जो उसकी पूंछ पकड़ेगा वो कैसे पार करेगा? कुत्ता जब देखेगा कि मेरी पूंछ किसी मानव ने पकड़ ली है तो वो अपने आप को पानी में डुबकी लगा देगा और उसकी पूंछ छूट जाएगी, कुत्ता भी डूबेगा, वो भी डूबेगा। पर ये आश्चर्यजनक नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो भगवान का शरण लेता है वो तो भगवत धाम जाएगा, संसार सागर से ही पार हो जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अनिविश, भगवान अविस्मितम, भगवान है ही आश्चर्य रहित। तो क्या आश्चर्य है कि उसके चरणों का शरण लेने से संसार सागर पार हो जाए? कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, इसमें आश्चर्य है कि भगवान को छोड़ के अगर कोई संसार सागर से पार होना चाहे तो निश्चित रूप से वो मूर्ख है। भगवान का शरण लेगा तो ये संसार सागर गाय के बछड़े के खुर के पानी के समान छोटा हो जाएगा, उसके ऊपर से बच्चा भी फलांग के और दूसरे रास्ते दूसरे ओर जा सकता है। भगवान समम है, सबके साथ समान है, सारी इच्छाएं उनकी पूर्ण है। अब एक शब्द लिखा है, उसमें सात प्रकार की मधुरता है, उनके स्वरूप में सात प्रकार की मधुरता है। ये सात प्रकार की मधुरता माधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि भगवान की सुंदरता बहुत मधुर है, बड़े भगवान सुंदर हैं। भगवान से एक बहुत सुंदर सौरभ खुशबू निकलती है और भगवान की मधुर वाणी बड़ी आकर्षक है, बड़ी मधुर है। और भगवान नवयौवन है, नवयुवक है, बहुत सुंदर है। और भगवान की औदार्य, बड़े उदार हैं भगवान। और भगवान बहुत रसीले हैं, रसमय हैं। और सातवां है भगवान दयालु है, औदार्य है, दयालु, रसीले, नवयुवक, मधुर वाणी है, मधुर कंठ है,
बड़ी सुंदर सौरभ निकलती है, अति लावण्य सुंदरता है। ये सात भगवान के मधुरता है, मिठास है, और वो अपने भक्तों को अपनी अंतरंग हलादिनी शक्ति के द्वारा अति आनंद देते हैं। भगवान प्रशांत है, बहुत सभ्य है, वो भक्तों के किसी सेवा अपराध को भी क्षमा कर देते हैं, सह लेते हैं, क्योंकि वो भक्तों से स्नेह करते हैं। तो सेवा अपराध को भी भगवान का शरण ले, ये सिद्धांत है। सेवा में अपराध हो जाए तो भगवान के शरण लेने से उस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान के भक्त का शरण लेने से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान का नाम का, भगवान के नाम का शरण लेने से भगवान के प्रति किए हुए अपराध से मुक्त हो जाएंगे। परंतु भगवान के नाम का अपराध कर लिया तो कोई रास्ता नहीं। सेवा अपराध से मुक्ति भगवान के शरण लेने से, भगवान के प्रति अपराध की मुक्ति भगवान के नाम के शरण लेने से। परंतु भगवान के नाम के प्रति अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया, तो फिर भक्ति के रास्ते में बहुत अड़चने और कठिनाइयां आ जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुत्ते को पानी में तैरते हुए देखा जाता है, परंतु महासागर में कुत्ता अगर डुबकी लगाए और कोई उसकी पूंछ को पकड़ के और समुद्र को पार करना चाहे तो पहले नंबर का मूर्ख माना जाएगा। कहां कुत्ता समुद्र को पार कर सकता है? तो फिर जो उसकी पूंछ पकड़ने वाले तो डूबने के लिए ही काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, निश्चित रूप से डूबेगा। तो कोई ये भौतिक संसार सागर पार करना चाहे और किसी देवता का अथवा किसी और साधन का सहारा ले तो कभी भी वो निर्भय नहीं हो सकता। उसको तो एकमात्र भगवान का शरण लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये पूरा श्लोक ब्रह्मा जी की प्रार्थना का दिया है। समाश्रिताये पद पल्व पल्वम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। समाश्रिता ये पद पल्व पल्वम, जो संसार सागर को पार करना चाहते हैं भगवान के चरण कमलों की नौका को का सहारा लेकर, बोला वो नौका कहां से मिलेगी? महत पदम पुण्य यशो मुरारी, महात्माओं ने ऐसे भगवान के चरणों की, मुरारी के चरणों की महिमा गाई है। भव अम्बुद्धि भव सागर, वत्स पदम, वो गाय के बछड़े के खुर के खड्डे के समान छोटा हो जाएगा। पदम पदम यद विपदम, जो संसार जाम है, पद पद के ऊपर, पग पग के ऊपर, कदम कदम के ऊपर, विपदम संसार में संकट है, न तेषाम उसके लिए नहीं है, वो उससे मुक्त हो जाएगा। तो भगवान के चरण कमल अविनाशी नौका है, कभी नहीं नाश होगी, नहीं डूबेगी। जो उस इस नौका का शरण लेता है भगवान के चरण कमलों की, वो बहुत सरलता सुगमता से आसानी से संसार सागर को पार कर ले। और इसलिए भक्त को कोई भय नहीं है। वो भले भक्त जगत में रहे, जिसमें पग पग के ऊपर, कदम कदम के ऊपर खतरा है, भय है, विपदा है, परंतु उसको कोई परवाह नहीं। इसलिए बुद्धिमान को सर्वशक्तिमान भगवान का शरण लेना चाहिए, न कि अपने मन से किसी का भी शरण लेने की मूर्खता करे। अपने से छोटे का शरण लेने वाला हमेशा दुख पाएगा। केकई ने मंथरा के मत का शरण लिया तो बहुत बड़ा संकट अयोध्या में पैदा हो गया।
अयोध्या में उत्पन्न हो गया। शरण छोटे का नहीं लेना चाहिए। रामचंद्र ने समुद्र का शरण लिया, समुद्र आया नहीं जब तक डांटा नहीं, तो शरण एकमात्र भगवान का लेना चाहिए। अब हम एक श्लोक 23वां पढ़ने जा रहे हैं। यस्यो रोशृंगे जगतिम स्वनावम मनोर यथा बद्ध ततार दुर्गम सैव नस्त्वाष्टर भयाद दुरंता तराता सरितां वाचरी वारी चरोपि नूनम। अब दो श्लोकों में उदाहरण देते हैं कि पहले आपने भगवान यस्य उरु जिसकी शक्ति, श्रृंगे जिसके सर के ऊपर सिंह था मत्स्य अवतार, जगतिम पूरे जगत की नाव को, स्वनावम पूरे जगत के इस भार को नाव में धारण करके, और जो मत्स्य अवतार में जिसके सींग में बांध दिया था, किसने? मनोर मनु ने, ये विवस्वत मनु जो था। यथा अबध्यता ततार दुर्गम, और इस प्रलय के जल से वो नाव पार हो गई। सएव नस, वो ही भगवान जो मत्स्य अवतार में भवसागर से इस पूरे संसार की नौका को पार लगा दिया मनु के प्रार्थना करने के ऊपर। नस्त्वाष्ट भयाद दुर्ण, इस वक्त हमारे ऊपर भी बहुत भारी भय आया हुआ है, उससे हमारे को तार पार करें, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से वही कर सकता है। वारी चरह अपी जल में चलने वाली मस्त मत्स्य, भले मत्स्य अवतार था, वही भगवान आज हमारे इस भय सागर से संकट का निवारण करे। मनु जो सत्यव्रत के नाम से पहले सत्यव्रत थे, जो बाद में विवस्वत मनु हुए, उन्होंने छोटी सी नौका में सारे संसार को और उसकी वनस्पतियों और बीजों को और सप्त ऋषियों को धारण करके रख के और मत्स्य अवतार के सिंह में बांध दिया वासुकी के द्वारा, और मत्स्य अवतार की कृपा से मनु भव सागर, मनु प्रलय सागर के जल से पार हो गए। वही मत्स्य अवतार हमारे को इस बड़े भयानक संकट से, किसका भयानक संकट है? तुष्टा के पुत्र, ये जो शब्द है ऐसा त्वाष्ट्र भयात, तुष्टा के पुत्र का भय, वृत्तासुर का भय, उससे हमारे को मुक्त करे। मत्स्य अवतार जिनके सिंह में मनु ने संसार के सामग्री के साथ नौका को बांध लिया था और प्रलय जल से पार हो गया, हम उसी भगवान का शरण लेते हैं जो हमारे को तुष्टा के भय से, अनंत भय से मुक्त करेगा। देवता कहते हैं ठीक है, हम इतने महान नहीं है, उतने उत्तम नहीं है, हम तो थोड़े नीच है, किससे? उस मनु से, और उस सत्यव्रत से जो मनु बना। क्यों है आप इतने अपने आप को नीच क्यों समझ रहे हैं, इतने उत्तम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को भौतिक इच्छाएं हैं और हमने आपका शरण लिया है भयभीत होके एक असुर से, रक्षा के लिए शरण लिया, इसलिए हम जो है कोई शुद्ध भक्ति की प्रार्थना नहीं है ये। शुद्ध भक्ति में अनाभिलाषिता सुनियम होना चाहिए, लेकिन हम तो अभिलाषा लेकर आए हैं, हम तो आर्तो भक्त हैं जिसको बहुत संकट आया है, हम आपके शरण में, हम पर आए आपके शरण में हैं, इसलिए सुकृतिन है, सुकृतिनु है। और जैसे आपने पहले सत्यव्रत को संरक्षण दिया था, भय से मुक्त किया था, ऐसे दो श्लोकों में वर्णन है। जैसे मत्स्य ने पृथ्वी को असुरों से बचा लिया था, वो भगवान हमारी भी रक्षा करे धरती के ऊपर,
वो तो जन्म में रक्षा की थी, हमारी धरती के ऊपर रक्षा कर। ये दूसरे श्लोक में दूसरा उदाहरण देते हैं, पुरा स्वयंभोर अपि संस्यमाम बसे उदीरण वात्रो उदीरण वातुर्मे रवाई कराले एको अरविंदा तपतितस्तारा तस्माद् भयाद्येन सोन अस्तु परा। पुरा पहले सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु स्वयंभू ब्रह्मा जी अपि संस्याम बसे, जब वो बहुत चारों ओर से पानी पानी था और उस पानी में उदीरण वात और में रवही कराले, बहुत भारी भारी लहरें उठ रही थी, उर्मी लहरों को कहते हैं, और ऐसी लहर एक आई एको अरविंदात पतित तार ततार, एक ऐसी भी भयानक लहर आई कि कमल के पुष्प के ऊपर जो ब्रह्मा जी बैठे थे उससे गिर गए पानी में। एको अरविंदात कमल से पतित गिर पड़े ततार तस्मात, परंतु अब भगवान आपने उसकी रक्षा कर ली उस भय से। ये न सनो अस्तु पराह, वही भगवान हमारा उद्धार करे, हमारी रक्षा करे। सृष्टि के आरंभ में भयानक वायु के कारण जो प्रलय काल का जल है उसमें लहरें उठ रही थी और उन लहरों के प्रभाव से ब्रह्मा जी अपने कमल से नीचे गिर गए थे और उस प्रलय के सागर में डूब रहे थे, परंतु भगवान आपकी कृपा से आपने सहायता की और रक्षा हो गई। हे भगवान श्री गोविंद, हमारी रक्षा कीजिए इस बड़े भयभीत परिस्थिति में। वो भगवान जिसने ब्रह्मा जी की प्रलय काल के जल के लहरों से आंधी तूफान से कमल से पतन होते हैं गिरने के समय रक्षा की थी, वो भगवान हमारी भी रक्षा करे। ब्रह्मा तो कमल से गिर ही गए थे, परंतु भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं, या एक ईशो निज माया न ससर्जयेनानुसृज्यम् अनुसृज्याम विश्वम् वयम् न यस्यापि पुनः समिहरतः समिहितः पश्याम लिंगम प्रथमीश मानिनः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यस एक ईशो, वो एक ही ईश्वर है, माया न, जिसकी माया से हम न सृजति, हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारे को पैदा किया है, हमारा सृजन किया है, हमारी सृष्टि भगवान ने, एक ही भगवान ने अपनी माया से हमारी सृष्टि की। फिर ये न अनुसृजाम विश्वम, और हमने फिर इस विश्व की सृष्टि की। एक भगवान ने अपनी माया से हमारी सृष्टि की और हमने फिर इस जगत की सृष्टि की। वयम न यस्या वस वयम न यस्यापि पुरः समेता पश्याम, परंतु हम उस भगवान को नहीं देख सकते हैं। हमारे अंदर है, हम देख नहीं सकते। क्यों? कारण स्वयं बता रहे हैं। लिंगम प्रथम ईश मानिनः, हम अपने आप को भगवान से अलग इस संसार का पैदा करने वाला, सर्जन करने वाला ईश्वर मान रहे हैं, इसके कारण भगवान को नहीं देख पा रहे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। परम पुरुष भगवान जिसने अपनी माया के द्वारा कृपा करके हमको पैदा किया और हमने इस सृष्टि को बनाया, जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे हो?
क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम भगवान से अलग हैं, स्वतंत्र हैं और अपने आप में ईश्वर हैं और हम सृष्टि को चला रहे हैं। ये भगवान से पृथक दृष्टि है, अलग अपने आप को ईश्वर मानने की मूर्खता है। जिस भगवान ने माया के द्वारा हम सब की सृष्टि की और हमारे द्वारा संसार की सृष्टि कराई, और हम उसके कारण समझते हैं कि हम भी सृष्टि करता है, ये ईश्वर का भाव हमें आ गया, इसलिए भगवान हमारे हृदय में है, फिर भी हम उसको देख नहीं सकते। भगवान की लीलाएं तो अनंत हमसे पहले हुई है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि भगवान से हम अलग अपने आप को ईश्वर मानते हैं। भगवान सर्वत्र है, परंतु हमारे भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। ये 3 श्लोकों में कहा जाएगा, एक ये 25, 26, 27 में ये देवता कहेंगे कि भगवान सब जगह होते हुए भी देखने में नहीं आता। भगवान आपने जितने पहले लीलाएं की समाहित पुराहा, इसके 2 अर्थ हो जाएंगे। एक समाहित पुराहा का अर्थ है आपने बहुत से लीलाएं पहले की, और दूसरा इसका अर्थ होगा समाहित पुरा, ये पुर मतलब शरीर, इसमें आप परमात्मा के रूप में बैठे हैं। न तो हम आपके पूर्व लीलाओं का पता लगा सकते हैं, न अपने हृदय में आपको देख सकते हैं। अच्छा, पुरानी कौन सी लीलाएं की? बोला आपने राम अवतार में, कृष्ण अवतार में जो लीलाएं की, जो हमारे से पहले थी, हम तब थे ही नहीं। बोला क्यों नहीं आप देख सकते समझ सकते? बोला इसलिए कि हम आपसे अलग अपने आप को ईश्वर मानने का एक विचार मन में रखते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ के बद्ध जीव, यहाँ समझाया जा रहा है एक विस्तार से वर्णन किया जा रहा है कि बद्ध जीव भगवान को आमने सामने क्यों नहीं देख सकता, कारण क्या है। भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, मानव समाज में एक राजा के रूप में रहे, दूसरे द्वारकाधीश के रूप में रहे, परंतु फिर भी मानव उसको समझ नहीं पाए, क्यों? प्रहलाद तो प्रभुपाद जी भगवत गीता से कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तर्माश्रितम्। वो भगवान को अपने जैसा ही मानव मानते हैं, तो फिर भगवान की भगवता और लीला का यथारूप में तत्व से कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। वो अपने आप में कितने तुच्छ हैं, फिर भी कहते हैं कि हम स्वयं, ये घर हमने बना दिया, ये फैक्ट्री हमने बना दी। एक सेठ के पास एक महात्मा गया, गांव छोटा था। सेठ ने महात्मा को कहा, ये लाइन में जितने दुकान देख रहे हैं ना महाराज, ये सब हमारे, ये जितनी गाड़ियां खड़ी हैं ना स्टैंड के ऊपर, ये बसें गाड़ियां सब हमारी, ये स्कूल कॉलेज जो गांव में बने हुए हैं सब हमारे पूर्वजों के बने हुए। तो महाराज बुद्धिमान था कि महाराज को, ये सेठ को अहंकार हो गया है कि सब कुछ इसने पैदा किया, सब इसने बनाया है। तो बच्चों का एक पूरे दुनिया का गोला पड़ा था, मैप पड़ा था वर्ल्ड का। महाराज ने कहा इस मैप के अंदर आपके गांव का निशान दिखाओ, कहाँ है? बोलो मेरे गांव का नाम ही नहीं। बोला आपके देश का? बोलो देश का नाम है एक माकोड़ी जितना, एक चोटी जितना। बोला इस दुनिया में आपके देश चोटी जितना, उस देश में आपके इस गांव का नाम नहीं है, उसके अंदर जो थोड़ी चीजें हैं उसको आप कहते हैं इतनी बड़ी है। दुनिया बहुत बड़ी है, जिसने दुनिया बनाई ये वो बड़ा है। तुमसे पहले ये किसी और की थी और तुम्हारे बाद किसी और की हो जाएगी। कोई चीज अपनी मानने की मूर्खता करता है, वही भगवान को देख नहीं सकता। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि मध्व आचार्य ने एक श्लोक में स्पष्ट किया है, लिंगमेव पश्यामः कदाचित अभिमानस्तो। भगवान आपके स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभिमान करते हैं।
किस चीज का? देवानाम अपि सन्नेव, देवताओं तक भी अभिमान करते हैं। किस बात का? कि हम भी सृष्टि करता है, हम भी ईश्वर हैं, तो भगवान से प्रतिद्वंदी बन जाते। प्राय कालेषु नास्ति एव तारतम्ये न यो अपि यतो। हम अलग अलग स्तर के ऊपर बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है, परंतु हम अपने आप को भगवान मानने की मूर्खता कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान को सामने सामने देख नहीं सकते। क्या विचार है आपका कि भगवान को हम आमने सामने क्यों नहीं देख सकते? हमारे अंदर सामित्व का भाव है, हमारे अंदर सेवक का भाव नहीं है। जब तक सेवक का भाव नहीं होगा तब तक भगवान को देख नहीं पाएंगे। अब 27वां श्लोक आज पढ़ें के पढ़ लेते हैं। यो नः सप्तनै वृषम अर्धयमानां देवऋषि त्र्यम नरेषु नित्य एव कृतानवतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयम् आत्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं विराजां सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनो धास्यति शम महात्मा। ये दो और श्लोक उसके साथ हैं कि भगवान को क्यों नहीं देख सकते। यो नः सप्तनहि भृशम अर्ध्यमानानां, भगवान जो हम न सप्तनहि, सप्त नहीं का मतलब हम देवताओं के असुर, ब्रसम अर्ध्यमानानाम, जिनके द्वारा देवताओं के असुर जो हम देवताओं को सदा के लिए दुख देते रहते हैं, हमारा पीछा करके परेशान करते रहते हैं। देव फिर आप क्या करते हैं, कभी देव के रूप में, कभी ऋषि के रूप में, कभी त्रियक का मतलब पशु के रूप में, और कभी निरिशु कभी मानव के रूप में, नित्य कृत अवतार अवतार लेते रहते हैं। अवतार का कारण बता रहे हैं कि हम देवताओं के शत्रु जब हमको सताते हैं तो कभी आप देवकता के रूप में, कभी ऋषि के रूप, कभी देव ऋषि के रूप में जैसे नारद है, त्रियम कभी पशु के रूप में वराहदेव, नृशु मानव के रूप में राम कृष्ण, नित्य एव कृता अवतारस, नित्य ऐसे अवतार लेते रहते हैं। तनु भी स्व मायया, वो जो आपका शरीर होता है, तनु होता है, वो आपकी अपनी स्व मायया आत्म मायया, वो आपकी कृपा से होता है, वो आपकी अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है। कृत्वात्म सात पात युगे युगे, और ये जो आपका अपने अंतरंग शक्ति के आप कृत्वा आत्म सात, कृत्वा आत्म सात का मतलब है जो अपने को बहुत प्रिय है माया, एक तो आपका स्वरूप जो आपकी अंतरंग शक्ति प्रकट करती है वो शक्ति आपको बहुत प्रिय है, आप अपने आप को प्रिय हैं और आप अपने भक्तों से भी प्रेम करते हैं और युग युग में आप प्रकट होते हैं। तमेव देवम वयम आत्म देवतम परम प्रधानम पुरुषम विश्वम अन्यम। अब आगे कहते हैं उसी भगवान को हम सब मिलकर आत्मदेवतम, जो हम सब का महास्वामी है, जो महान है, जो सबका प्रधान है, वो जो भौतिक शक्ति सृष्टि है प्रधान है, उसका स्वामी है, उसका आदि कारण है, जो भोक्ता है, जो पुरुष है,
और जो अन्यम ब्रजाम, जो भौतिक प्रकृति से अलग स्थित है उसको व्रजाम, हम उसके शरण में जाते हैं, सबके सब हम उनके शरणम, सर्वे शरणम व्रजाम, हम सब उनके शरण में जाते हैं। शरण्यम, क्योंकि वही एक शरण लेने के योग्य है। दास्यति, वो हमको देंगे। न दास्यति स्वानाम, वो अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। सम महात्महान, वो भगवान अपने भक्तों के ऊपर सदा ही उनका भला सोचते हैं, सौभाग्य सोचते हैं, उनका हित करते हैं। अचिंत्य भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा परम पुरुष भगवान अपने दिव्य शरीरों में कभी वामन देव के रूप में आते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, परशुराम के रूप में आते हैं, महात्माओं के बीच में नरसिंह देव के रूप में आते हैं, वारादेव के रूप में आते हैं पशुओं में, मत्स्य कुर्मा रूप में आते हैं जलचरों में। ये सब भगवान के जो स्वरूप हैं, ये तो अपनी जगत पे बहुत महान है, परंतु मानव समाज में जब वो कृष्ण और राम के रूप में आते हैं तो अति दिव्य लीलाएं करते हैं जो मनोहर होती हैं। ये सब भगवान की अहितुकी कृपा है। ये देवताओं का रक्षण करते हैं, कब? जब असुर उनका अहित करना चाहते हैं, असुर उनको सताते हैं, तो देवताओं की रक्षा करते हैं। यही जीव मात्र के लिए आराध्य पूजन्य आदि देव परम पुरुष भगवान है और ये सभी कारणों का आदि कारण है। ये दोनों, ये प्रभुपाद ने कहा, सुप्रीम काज रिप्रेजेंट बाय मेल एंड फीमेल क्रिएटिव एनर्जीज, ये जो सुप्रीम काज सबका परम कारण है, जो पुरुष और स्त्री, ये पुरुष और स्त्री कहा जाता है वैसे शंकर और पार्वती, ये शंकर और पार्वती है पुरुष और प्रकृति जिनके द्वारा सृष्टि होती है। भगवान इस संसार से बिल्कुल अलग है, परंतु विश्व रूप के में ये दिखते हैं संसार में। हम अपनी इस भयभीत भयानक स्थिति में आपका शरण लेने के लिए आए हैं और निश्चय रूप से आप शरणागत वत्सल हैं, आप हमारी रक्षा करेंगे। भगवान आप हमको अपना ही समझते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे को असुर ने बहुत सताया है, हम दुखी हैं। आप अवतार लेते हैं, कभी मानव में, कभी पशु में, कभी ऋषियों में, कभी देवताओं में, युग युग में कृपा करके अवतार लेते हैं। आप ही एक पूजन्य हैं, हम आपका शरण लेते हैं। आप प्रकृति के आदि कारण हैं, जगत के आदि कारण हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आपके आश्रित हैं। आप भक्तों के एकमात्र शरणीय हैं और आप ही शरण, आपका ही शरण लेना है। आप निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य करेंगे, हमारा भाग भला करेंगे। आप अवतार लेते हैं, रूप धारण करते तनु भी, जैसे उपेंद्र, उपेंद्र का मतलब वामन देव, ये हुआ देवताओं में। परशुराम, ये हुआ ऋषियों में, क्योंकि ऋषि का पुत्र है परशुराम जमदग्नि का। आप चित्त शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं, आप हमें अपना समझ के हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम आपको रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अभी, इसलिए क्योंकि आप सदा हमारी रक्षा करते हुए आ रहे हैं। अपनी माया शक्ति से आप अपने विराट रूप में भी दिखते हैं। प
परंतु ये जो भौतिक जगत है वो आपके स्वरूप शक्ति से अलग है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य कल पढ़ेंगे इसका, इस श्लोक का। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भगवान जो देवताओं के लिए इतना कुछ करते हैं, उनको जब विपत्ति आती है तो वो भगवान की शरण में जाते हैं, तो फिर वो देवता यहाँ जैसे बताया गया कि अपने आप को पृथक ईश्वर के रूप में क्यों सोचते हैं वो, कि मैं अलग से अलग हो गया? अरे भाई, हम सभी छोटे छोटे ईश्वर बने हुए दुनिया में, देवता बने कोई बड़ी बात है? उनको तो सुविधाएं हैं, हमको कुछ भी सुविधा नहीं है, फिर भी हम अपने आप को, अरे जो लंबा चौड़ा छोड़ो, ये एक कुर्सी बाहर पड़ी थी, मैं समझ रहा था मेरी है, ले क्यों गए मुझसे? वो कुर्सी का भी हम स्वामी बनने का सोच रहे हैं। एक चप्पल कोई उठा के जाए तो मेरा चप्पल कोई ले गया, ये मेरे की मूर्खता हमारे अंदर पड़ी हुई है और देवताओं में, और इससे बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। ये घर मेरा, ये गाड़ी घेरी, ये मकान मेरा, ये सब ईश्वरता का भाव है, और ये सारा भाव एकमात्र है जो हमको भगवान की अनुभूति करने में बाधा बना हुआ है। और देवता, देवताओं के पास तो बहुत कम से कम कोई लोक है, कोई पास शक्ति तो है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ये मूर्खता से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कह पा रहे हैं कि सब भगवान का है। बड़ा आश्चर्य लगता है, नहीं आश्चर्य नहीं लगता? आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? उपाधियों में बस उपाधि, मैं मेरा, मैं और मेरा, जब तू और तेरा जब कहेंगे तब काम बनेगा। तू क्या क्या है बेटा? ओ एक एक दो ले आना, चलो ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी, जुड़े आज नरेश राणा। नरेश राणा जी आए, उनका स्वागत है। नरेश तो ये राजा को कहते हैं, किस चीज के राजा हैं भाई? सादर में रहते हैं, लोनी में। हाँ, कहाँ रहते हैं? सादरा में। आज सादरा में, सादरा में आज ही जुड़े हो। बहुत अच्छा भाई, नरेश का मतलब है राजा, तो बहुत अच्छा, राजा जी का स्वागत है, सब भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत दंडवत। गौर भक्त वृंद की जय। नरेश अरोड़ा, ये तो हमारा हल्दीराम लग रहा है। हाँ वही है, वही है। अब जब लॉकडाउन पूरा हो तब हल्दी आएगी जी। हरे कृष्णा। अरे कुछ समझ में आता है गुरु जी? हाँ जी।